इंदौर शहर हमेशा से कुछ अलग हटके ही प्रयोग करता है और इसी कड़ी में इंदौर के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने एक ऐसा मास्क तैयार किया है जो कि कोरोना से बचाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मास्क की गुणवत्ता के लिए लैब में जांच के लिए अप्लाई भी किया गया है। इंदौर में जहां एक और वैज्ञानिकों द्वारा रोबोट की किरणों से कोरोना वायरस को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर साधारण से दिखने वाले मैकेनिकल इंजीनियर युवक ने एक ऐसा मास्क तैयार किया है जो कि 100% कोरोना व फंगस इन्फेक्शन को रोकने में कारगर सिद्ध हो सकता है। मास्क निर्माण करने वाले युवक द्वारा बताया गया कि यह मात्र 30 मिनट में तैयार किया जा सकता है और इस मास्क में जो कीटाणु को मारने के लिए 3 प्रकार के केमिकल बताए गए हैं उनका इसमें यूज किया गया है। 2% एल्कोहल प्लस वाटर, डेटॉल प्लस वाटर, नमक प्लस वाटर और यह सभी चीजें आसानी से घर में भी उपलब्ध रहती है जिससे कि मास्क बनाने में काफी आसानी होती है। इस मास्क में प्लास्टिक शीट फॉर्मेट फॉर सर्जिकल मास्क केमिकल के साथ 2 नालियों का उपयोग किया गया है ताकि ऑक्सीजन को अंदर किया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा जा सके जिससे कि मास्क में सफोकेशन की स्थिति ना निर्मित हो। और यह मास्क सबसे ज्यादा उपयोगी उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने पिछले दिनों फ्रंटलाइन पर कार्य कर शहर, देश और प्रदेश को बचाने में भूमिका निभाई है। मास्क का सीधा उपयोग डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी कर सकते हैं क्योंकि वह निरंतर संक्रमण ग्रसित क्षेत्रों में ही काम करते हैं, उनके लिए यह काफी लाभकारी सिद्ध होगा। बाय जुबेर खान, मैकेनिकल इंजीनियर, इंदौर। बताया आपने एक मास्क बनाया है जार मास्क, उसमें क्या खासियत है मास्क? इस मास्क की ये खासियत है कि इसमें आपको जो आप 3-4 चीज़ें पहनते हैं, आप 2 मास्क लगाते हैं सर पे, एक हेड पहनते हैं क्लॉथ का, फिर आप मास्क लगाते हैं, फिर आप फेस शील्ड लगाते हैं, तो वो सभी चीज़ इसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंगल मास्क सबका काम कर देगा और इसमें हमारी गारंटी है कि कोरोना इसमें अंदर नहीं जाएगा और किसी तरह का फंगस, जो भी इन्हेलेशन प्रॉब्लम होती है, जो भी इन्फेक्टेड इंसान होता है इन्हेल की वजह से, इन्हेल वायरस करने की वजह से, तो वो इसमें नहीं जा सकता क्योंकि इसमें एक मैकेनिकल फिल्टर लगा हुआ है और उसमें केमिकल फिल्टर हमने यूज़ किए हैं, तो वो पूरी तरह से उन फंगस को, पॉल्यूशन को, इसको ख़त्म कर देता है। आपने जो केमिकल फिल्टर इसमें यूज़ करे, किस टाइप से केमिकल फिल्टर है? केमिकल से मेरा मतलब यूँ है कि आप इसको अपने घर में बना सकते हैं, जैसे कि आप 2% अल्कोहल प्लस वाटर ले सकते हैं, डिटॉल प्लस वाटर ले सकते हैं, नमक प्लस वाटर, 3 चीज़ों से कोरोना की गाइडलाइन है कि कोरोना मरता है, उन चीज़ों को आप पानी में मिला के उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपने जो एक डब्बी बनाई उसमें कितने फिल्टर लगे कि मास्क लगे, किस टाइप से बनाए? इसमें हमने 9 लेयर की मास्क यूज़ किए हैं और 2 पंप यूज़ किए हैं, एक अंदर ऑक्सीजन सप्लाई, एयर फ्रेश एयर सप्लाई करने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है अंदर मास्क के उसको रिमूव करने के लिए हमने एक पंप यूज़ किया जिससे कि आदमी को इसमें सफोकेशन या घुटन नहीं होती है। कितना टाइम लग गया आपको इसमें बनाने में? सर मुझे इसे बनाने में 6 महीने लग गए। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसके 2 महीने बाद से मैं बहुत सफ़र हुआ था उस वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो इसीलिए मुझे आइडिया आया कि मैं एक मास्क बनाऊँ जिससे बाकी लोग सफ़र ना हो सके। और अभी तक ऐसा कोई मास्क नहीं बना है जो कि पूरी गारंटी देता हो कि कोरोना अंदर नहीं जाएगा। तो आपने इसकी कहीं कोई अधिकारी या किसी प्रशासन अधिकारी? हाँ, मैंने इसके लिए पेटेंट एप्लीकेशन अभी कर दिया है और उसको होने में थोड़ा समय है और कुछ कंपनी से हमारी बात चल रही है इसको लेकर, और भी मैं चाहूँगा कि और कंपनीज जो हैं उसको विश्व स्तर पर हमसे टाइप करें, विश्व स्तर पर इसको बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे बच सकें कोरोना वायरस से। एक पीस को बनने में कितने घंटे लगते हैं या कितना समय? एक पीस को बनने में करीब 1/2 घंटा लगता है और 1/2 घंटे में एक पीस पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। सारा मटेरियल जो है हमने रेडीमेड यूज़ किया है, कुछ भी इसके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर। कितना मटेरियल लगता है और क्या क्या लगता है? सर इसमें कुछ प्लास्टिक की शीट लगती है, 2 पंप लगते हैं और अपना जो एक सर्जिकल मास्क आते हैं वो मास्क लगते हैं और केमिकल तो आप घर पे ही बना लेते हैं, तो ये सब बहुत ही कम आइटम में ये सब चीज़ बन जाती है। अगर प्रशासन द्वारा ये मास्क अगर आपको पास होता है तो आप कोई कंपनी से टाई अप करके करेंगे या फिर? हाँ, मैं कुछ कंपनी से टाई अप करके ही इसको लॉन्च करना चाहूँगा क्योंकि मैं जो प्रोडक्शन करता हूँ उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है। मैं चाहता हूँ ये विश्व स्तर पर लोगों को हम सप्लाई भी करें, एक्सपोर्ट भी करें और हमारे पूरे जो 123 करोड़ भारतीय हैं अब उनको कितनी लागत लगेगी, तो वो मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बड़ी कंपनी से टाइप करके ही वो करना पड़ेगा। यह मास्क किन किन लोगों के काम आ सकता है? ये मास्क खासकर डॉक्टर्स के लिए, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि हमारे पुलिस वाले हुए जो कि लॉकडाउन के अंदर घर नहीं बैठ सकते, और जो सफाई कर्मचारी हैं और अपने जो भी ऑफिसर्स हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से घर पर नहीं बैठ सकते और अपना काम करना ज़रूरी है उनका, उनके लिए मास्क बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो 2 नली दी गई है वो काहे की नली है? उसमें एक जो पाइप गया हुआ है अंदर, वो पाइप एक फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए गया हुआ है और दूसरा जो नली गई हुई है वो अंदर से जो अपने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उसको रिमूव करने के लिए गया है।
दिया हुआ है ताकि उसमें सफोकेशन फील ना हो, वो फ्रेश अंदर एयर मिलती रहे। आपका परिचय? मेरा नाम ज़ुबैर खान है, मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मुझे काफ़ी और मैंने इन्वेंशन किए हैं जो अभी मार्केट में नहीं है, मेरे अभी पाइपलाइन चल रहे हैं।